नमस्कार, मैं अनीता, न्यू वोटर्स से। आज हम राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। आज हम डॉक्टर सोनिया जी से बात करेंगे, जो कि जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। हाँ जी, नमस्कार अनीता जी। मैं डॉक्टर सोनिया मीना हूँ और मैं अभी NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर एक प्रोग्राम आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें लगी हुई हूँ। और अभी मेरी पोस्टिंग दौसा है। तो एक्चुअली जैसा कि मैं प्रोग्राम के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। हाँ, जैसा कि नाम से ही है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्पेशली ये बच्चों के लिए ही चलाया गया है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो शुरुआत के जो कुछ साल होते हैं, जो बच्चे के संपूर्ण विकास, मानसिक या शारीरिक उस विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वजह से सरकार ने बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जो शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए ये RBSK या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। अभी ये प्रोग्राम पूरे राजस्थान में चल रहा है। और इसमें क्या होता है कि राज्य ने क्या किया है, प्रत्येक ब्लॉक पे दो मोबाइल हेल्थ टीमों का गठन किया है। और इसमें प्रत्येक टीम में 4 मेंबर होते हैं, 2 इसमें पैरामेडिकल स्टाफ होता है और 2 आयुष चिकित्सक होते हैं, जिसमें 1 मेल होता है, 1 फीमेल होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो काम होता है मेनली, वो बच्चों की स्क्रीनिंग करना होता है। इस स्क्रीनिंग में हम लोग 38 टाइप्स की डिजीजेज हैं। सबका तो मैं विवरण नहीं दे पाऊंगी, बट इसमें 4 Ds में डिवाइड किया है हम लोग ने डिजीज़ को। 4 Ds जैसे कि डिफेक्ट एट बर्थ हो गया, डिफिशेंसीज हो गई, चाइल्डहुड डिजीजेज हो गई, डेवलपमेंट डिलेज हो गए। तो इनमें थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। डिफेक्ट एट बर्थ क्या होता है, जैसे कि जन्मजात, जैसे किसी बच्चे को कोई विकृति है, जैसे दिल में छेद है या फिर पैर मुड़े हुए हैं, क्लब फुट है, होंठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, या फिर जन्म से उसको मोतियाबिंद है, और जैसे जन्म से बहरा है बच्चा, तो कुछ काफ़ी डिजीजेज हैं। तो इनमें क्या होता है, हम लोग स्क्रीनिंग करके बच्चों का एक रेफर कार्ड बनाते हैं, और जिससे बच्चे का आगे या तो जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे बच्चा अपना निशुल्क उपचार करवा सकता है। तो स्क्रीनिंग, हाँ, तो इसमें हमारा काम होता है एक तो आंगनवाड़ियों और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें जाने का। तो आंगनवाड़ियों में क्या, इसमें एज फिक्स है, 0 से 18 साल तक का बच्चा होना चाहिए। और ये है कि बच्चा, जैसे अगर छोटा है बच्चा, एक तो आंगनवाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और एक जैसे अगर 6 साल से बड़ा है, 18 साल तक का है, तो गवर्नमेंट स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 0 से 18, हाँ। तो मैं थोड़ा सा, नहीं, छोटा बच्चा जाके करना होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं वही बताने जा रही हूँ कि जैसे बच्चा 0 से 6 वीक्स तक का जो बच्चा है, तो अगर बच्चे की डिलीवरी जैसे सरकारी अस्पताल में हुई है, तो और अगर उसको कोई जन्म से कोई विकृति है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा वो पता लगाई जाती है। और आंगनवाड़ी में जैसे माँ गर्भवती होती है, तो ही तब से ही आंगनवाड़ी में उसका नाम स्टार्ट हो जाता है माँ का। तो एक तरह से वो रजिस्ट्रेशन होता है आंगनवाड़ी में। और जैसे बच्चा की डिलीवरी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उस बच्चे का नाम चढ़ जाता है, तो हम लोग उस डाटा के बेसिस पे उस बच्चे का उपचार अगर वो करवाना चाहते हैं, तो हम उस बेसिस पे करवाते हैं, क्योंकि पैदा होते ही बच्चे का आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो 0 से 6 साल तक के तो बच्चों का होता है आंगनवाड़ी में, और 6 से 18 साल तक के बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। इसमें नहीं, गवर्नमेंट स्कूल ही होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स में ये प्रोग्राम लागू नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल का रीज़न ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक होते हैं, या फिर जिनकी आर्थिक कंडीशन, मतलब ऐसे, तो उस हिसाब से इस प्रोग्राम का लाभ उनको ज़्यादा मिले तो ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर किसी को कोई बच्चे को कोई बीमारी हो गई तो वो लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में गरीब माँ बाप के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते जो पेरेंट्स होते हैं, तो इस वजह से ये प्रोग्राम स्पेशली गवर्नमेंट बच्चों के लिए है। तो आपका स्कूल में आप हाँ हाँ हम स्कूल्स में भी जाते हैं और आंगनवाड़ी में भी जाते हैं। वहाँ जाके हमको प्रत्येक बच्चे की स्क्रीनिंग करनी होती है और उसका मैं प्रोसीजर बता देती हूँ। और जो हमारे एक जो रेफर कार्ड बना के देते हैं उस पे डिजीज़ के नाम होते हैं, और अगर उनमें से किसी बच्चे को कोई डिजीज़ होती है तो हम लोग उस डिजीज़ पे टिक करके एक रेफर कार्ड बना के आते हैं, ताकि वो बच्चा आगे फर्दर कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या फिर सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी एग्रीमेंट कर रखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी, तो बच्चा वहाँ भी अपना किसी सीवियर डिजीज है तो वहाँ भी अपना इलाज करवा सकता है। सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी स्कूलों में ही नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो बच्चे तो इस योजना से बच जाते होंगे। हाँ, देखिए उन बच्चों का तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी भी थोड़ी टर्म कंडीशंस हैं, तो उन बच्चों का अगर जैसे करवाना है तो या तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए अगर छोटा है तो आंगनवाड़ी में, अगर करवाना चाहता है कोई इलाज, और अगर बड़ा है तो गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद चाहे रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो हम लोग फिर उसका करवा सकते हैं, थोड़े से ये रूल्स होते हैं। मतलब जो भी बच्चा आपको इस तरीके की जो ये कार्यक्रम में आप आएगी तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण मिला है? प्रशिक्षण मिला है? हाँ, हम जब हमें लगाया गया था तो हमें इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया था, और हमें मेडिकल उपकरण भी दिए गए हैं और मेडिसिन्स भी अवेलेबल कराई गई हैं, जैसे अगर किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी है तो हम लोग उसको वहीं पे उसका मेडिसिन दे सकें, ताकि बच्चे को आगे परेशान नहीं होना पड़े। हाँ, अगर कुछ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है बीमारी तो फिर उसको दिखाया जा सके। ये चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी गरीब बच्चे को इलाज मिल सके, उसका जीवन बच्चे बच सके, उसका जीवन सुधर सके, तो वो हमारे लिए बहुत एक अच्छी अच्छी बात होती है। तो वो एक फीलिंग होती है ना, वो बहुत खुशी देती है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ सुधर सकी। आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो पे आए, हमारे स्कूल आए, अपना टाइम दिया और ये जानकारी साझा की है, जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मच मैम, आपने